हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ई सी एल ई। एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश, यू कैन लर्न इंग्लिश। वेलकम टू द 5 मिनट इंग्लिश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, खुश हो गए, साइंटिस्ट बना रहे होंगे, पढ़ाई मस्त शानदार कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, शानदार वाली क्लास को। और 5 मिनट की इंग्लिश हम जानेंगे कुछ शानदार सेंटेंसेस, शानदार वाक्य जो कि जनरल लाइफ में बोले जाते हैं, आपने जरूर बोला होगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं 5 सेंटेंसेस को। आज 5 देखते हैं इडियम्स वाले कि उसने मेरे नाक में दम कर रखा है। क्या? उसने मेरे नाक में दम कर रखा है, मतलब ही हैज गॉट ऑन माई नर्वसेस। ही हैज गॉट ऑन माई नर्वसेस मतलब उसने मेरे नाक में दम कर रखा है। हम बोलते हैं ना, जल्दी बोलते हैं, मेरे बड़े पापा ज्यादा बोलते हैं, मतलब जो क्या होता है इसका मतलब, जो एक्सट्रीमली जो परेशान कर दे, कोई बहुत ज्यादा परेशान करता हो, तो उसे बोला उसने मेरे नाक में दम कर रखा है, इस बच्चे ने मेरे नाक में दम कर रखा है। तो ही हैज गॉट ऑन माय नर्वसेस, ठीक है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं सेंटेंस, इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लिखने में गलती हो गई। क्या हो गई? लिखने में क्या हो गई? गलती हो गई। हम हमेशा बोलते हैं, हमेशा यूज़ करते हैं, लिखने में गलती हो गई। जैसे हम कुछ लिख रहे होंगे, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ तो कुछ का कुछ बन गया, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकते हैं, लिखने में गलती हो गई। दिस इज़ ओनली आ स्लिप ऑफ द पेन। दिस इज ओनली अ स्लिप ऑफ पेन। लिखने में गलती हो गई, लिखने में क्या हो गई? गलती हो गई। दिस इज ओनली अ स्लिप ऑफ पेन। हम बोल सकते हैं, यूज करते ही हैं, ठीक है, तो ऐसा बोलना मजा आएगा बोलने में, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता। मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता। कोई ज़्यादा बकवास कर रहा हो, कोई ज़्यादा बकबकर कर रहा हो, फालतू बातें कर रहा हो, तो बोल सकता मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता। आई कांट स्टैंड हिज नॉनसेंस। आई कांट स्टैंड हिज नॉनसेंस। आई कांट स्टैंड हिज नॉनसेंस। हम बोलते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हो, यू कैन यूज दिस सेंटेंसेस। मजा आ रहा ना? मजा आ गया, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ठीक है, छोटी सी क्लास, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, ठीक है, आपने ये जरूर देखा होगा। क्या? कि उसकी आशाएं मिट्टी में मिल गई। किसकी? उसकी आशाएं मिट्टी में मिल गई। कोई आशा है, कोई होप्स है, और वो मिट्टी में मिल गई, माटी प्लेट हो गए, हो जाए, बोलते हैं ना, उसकी आशाएं मिट्टी में मिल गई। जैसा किसी की जॉब लग गई, बताइए, अगर जॉब लग गई, अब घर वाले क्या सोचते हैं, चलो बेटा की जॉब लग गई है, अब क्या पैसा आएंगे, ठीक है, कमाएंगे, ऐस करेंगे, खेलेंगे। अब जॉब तो लग गई, पैसा भी आ रहा, लेकिन घर का खर्च नहीं हो रहा, मतलब जो आशाएं थी जॉब लगने के बाद वो ख़त्म हो गई। या फिर सोचते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई हो जाएगी, जॉब करेंगे, जॉब नहीं लग पाई, तो जो सारी की सारी आशाएं हैं वो क्या, मिट्टी में मिल गई। तो हम किस में बोलते हैं, मतलब उस मुहावरे की तरह बोलते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑल हिज होप्स आर डूम्ड। All his hopes are doomed. उसकी सारी की आशाएं हैं जो मिट्टी पलित होगी, मिट्टी में मिल गई। हम बोलते हैं, अब बोल सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं बोलने में, और अच्छा भी है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट देखते हैं, क्या है कि आपने मेरे मन की बात कह दी। किसने कह दी? आपने मेरे मन की बात कह दी। देखा होगा आपने, मेरी मन की बात कह दी, कि अगर कोई बात बोल रहा हो और आपको पसंद आया, अरे यही तो है यार, मुंह की बात छीन ली, मेरी मन की बात करती थी, यही तो मैं चाहता था जो आप बोल रहे, यही तो मैं चाहता था, तो आपने मेरे मन की बात कर दी, मतलब यू हैव स्पोकन आउट माई माइंड, ठीक है, आपने मेरे मन की बात कर दी। तो आज की ये कितनी 5 सेंटेंसेस थे, आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहे। मस्त इसका यूज़ करो, ठीक है, प्रैक्टिस में लाओ, और ताकि अपनी अंग्रेजी को और अच्छी ब्यूटीफुल बन सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन दबाएँ, दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक शेयर कर दें, ठीक है, और ऐसे ही सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।